गुड मॉर्निंग एवरीवन, यहाँ पे मैंने कुछ सामान भी मंगा लिया था ऑनलाइन। ब्लिंकिट से है यहाँ पे कुछ सामान, और ये है कांति स्वीट से मिठाई। तो किस पर्पस के लिए वो मैं आप लोगों को डेफिनेटली शेयर करूंगी। आज है कुछ खास दिन हमारे लाइफ में, मतलब स्पेशली मेरे लाइफ में आप बोल सकते हो। तो क्या है क्या नहीं सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी फिलहाल थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, सौरभ गया है मार्केट क्योंकि थोड़ा और सामान चाहिए था। क्या होता है ना, ऑनलाइन में जब ऑर्डर करती हूँ सारी चीज़ें एक साथ याद ही नहीं आता, कुछ ना कुछ मैं भूल ही जाती हूँ। ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया सारा सामान, अगर उस टाइम पे याद रहता तो एक बार मैं ऑर्डर कर देती लेकिन भूल गई। फिर अभी डिलीवरी मिल गया, फिर याद आया कि अरे ये सारी चीज़ तो लाना भूल गई। तो अभी मैंने सौरभ को भेजा है दोबारा मार्केट। सौरभ गुस्सा हो गया, बोल रहा जब मुझे मार्केट ही जाना है तो तुमने ऑनलाइन क्यों मंगवाया, फिर मैं सारा सामान सब कुछ मार्केट से ही लेके आ जाता। ठीक है चलो, हो जाते हैं, इंसान है, गलती हो ही सकती है। हाय प्रिंसेस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्माइली तो दे दो प्लीज़। ये देखिए मामा उठ गई है अभी नींद से। उठ गई वो एकदम से शॉक हो गई है कि ये क्या हुआ, मेरे सामने कैमरा क्यों। हमेशा मम्मी होती है, पापा होती है, मुझे एकदम प्यार से गोदी में लेके नींद से पैम्पर करते हुए जगाते हैं, आज कैमरा क्यों। मामा मामा उठ जाओ बाबू, आज क्या है पता है तुमको, क्या है पता है, आज तुम्हारे लाइफ का एक बहुत ही खास दिन है। ऐसे टेढ़ा करके क्यों देख रहे हो, द स्ट्रेट हो जाओ ऐसे। बापरे बापरे, इतना अंगरैया इतना अंगरैया। चलो उठ जाओ, उतो उतो उतो, ब्रश कर लो, फ्रेश हो जाओ, नहाना है, फिर नया कपड़ा पहनना है। ये देखिए आज मैंने मामा के लिए ये वाला फ्रॉक निकाली है। ये फ्रॉक कौन सा है आपको पता है ना, दादा भाई और दीदी भाई के मम्मी जब हमारे घर पे आए थे ना तो ये फ्रॉक वो लोग लेके आए थे, और एक भी लेके आए थे, तो एक तो ऑलरेडी मैंने उसको पहना दिया है और ये वाला रखा हुआ था नया, क्योंकि ये ना काफ़ी बड़ा है तो उस टाइम पर तो उसको फिट नहीं आता था, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी इसको पहनाते हैं, अभी आई होप कि अच्छे से फिट आ जाएगा। और अभी है ये नंगी पुंगी, इसलिए मैं इसको अभी पूरा नहीं दिखा रही हूँ। चलो बाबू उठ जाओ, चलो फ्रेश कर देते हैं तुमको अच्छे से, है ना, बॉडी वाइप कर देते हैं। आज तो नहाना नहीं है, आज नहाना नहीं होता है छोटे बच्चों को, थोड़ा फ्रेश कर देते हैं, फिर तुमको क्रीम लगा देंगे, फिर नया कपड़ा पहना देंगे। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज का दिन खास क्यों है। आज है जामाई षष्ठी, ठीक है। वेस्ट बंगाल में आज का दिन जो है बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। बंगाली लोगों को पता होगा कि आज इस स्पेशल दिन का अहमियत क्या है, लेकिन सच बोलूँ तो हमारा इतना खुश नसीब हम लोग है ही नहीं कि हम लोग जाएंगे जामाई षष्ठी मनाने घर। शादी का 6 साल हो गया है लेकिन आज तक एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग जामाई षष्ठी मनाने मेरे मायके गए हैं, तो सौरभ का ये बहुत बड़ा अफसोस है। सौरभ हमेशा मुझे बोलता है कि जामाई षष्ठी के बारे में कितना सब कुछ सुना था लेकिन मेरे नसीब में हुआ ही नहीं। अभी क्या ही करें, देखिए शादी के स्टार्टिंग से ही हम लोग आउट ऑफ वेस्ट बंगाल रहते हैं ना, तो एक साल भी पॉसिबल नहीं हुआ कि सिर्फ जामाई षष्ठी मनाने के लिए इतना महंगा फ्लाइट टिकट्स या ट्रेन टिकट्स हम लोग बुक करके वेस्ट बंगाल जाए और जामाई षष्ठी मनाए फिर वापस आ जाए, पॉसिबल नहीं होता। अगर जामाई षष्ठी के इर्द गिर्द कुछ फंक्शन होता ना, जैसे किसी का शादी वगैरह हो गया, बड़ा फंक्शन कुछ अगर होता है तो हम लोग उस पर्पस में जा सकते हैं, फिर जामाई षष्ठी मना के हम लोग आ गए वो अलग बात है, बट सिर्फ जामाई षष्ठी मनाने के लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल ही है। छुट्टी का भी मामला है, सौरभ को भी इतना ईजिली ऐसे ही ऑफ सीजन में छुट्टी भी नहीं मिल सकता, तो हम लोग घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं, मतलब करते आ रहे हैं इतना सालों से। मम्मी तो वहाँ पे जामाई षष्ठी के दिन प्रॉपर हमारे होम टाउन के वहाँ पे ना एक जगह है जहाँ पे षष्ठी पूजा होती है, तो वहाँ पे मम्मी जाके हम सबके नाम पे पूजा देके आती है। लेकिन इस साल मुझे भी करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अभी छोटा सा बेबी है, तो ये है मेरे लाइफ का पहला षष्ठी। सिर्फ ये जामाई के लिए ही नहीं, बच्चों के लिए भी ये षष्ठी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मेरी मम्मी करती है, सौरभ की मम्मी करती है, तो सब लोग ही करते हैं अपने अपने बच्चों के लिए। तो इस साल जैसे मैं फॉलो करने वाली उन लोगों की तरह शायद इतना पर्टिकुलर तो फॉलो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन यहाँ पे बैंगलोर में रह के जितना थोड़ा बहुत मैं कर पाऊंगी डेफिनेटली करूंगी, क्योंकि मेरे लाइफ का फर्स्ट षष्ठी है तो मैं अपने बेटी के लिए तो डेफिनेटली मनाना ही जाऊंगी। तो सौरभ चला गया था मार्केट और देखिए लेके भी आ गया है सब कुछ सामान। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि ब्लिंकिट से मैं क्या क्या ऑर्डर किया। मैं ब्लिंकिट से मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। आज वेज बनेगा, घर पे पूजा है तो सोच रही हूँ कि पनीर का एक कुछ सब्जी बनाऊंगी, तो यहाँ पे पनीर ऑर्डर कर दिया है, पनीर आ गया है। साथ में ये रहा जिंजर पेस्ट, यानी अदरक का पेस्ट मेरे पास है, जिंजर गार्लिक मिक्स किया हुआ पेस्ट रखा हुआ है। तो वेज खाने में हम लोग गार्लिक तो यूज़ नहीं करेंगे, ऑनियन यूज़ नहीं करेंगे,
तो सिर्फ जिंजर का एक पेस्ट मैंने मंगवा लिया है क्योंकि अभी ना टाइम नहीं है। जिंजर का छिलका उतारो फिर पेस्ट बनाओ। और आज का ये जो पूजा है ना, इसमें एक रिचुअल्स है, हल्दी और दही का एक मिक्सचर बना के उसका तिलक लगाना होता है बच्चों को। मैं खुद भी लगाऊंगी, तो जिस वजह से एक फ्रेश हल्दी का पैकेट मैंने ऑर्डर कर दिया। वैसे मेरे पास तो एक बड़ा सा डब्बा है हल्दी का, पापा लेके आए थे ना हमारे गाँव से एकदम ऑर्गेनिक हमारी ज़मीन का हल्दी पिसवा के, लेकिन वो किचन में है तो सोचा कि पता नहीं कभी कभार अगर मैं प्याज लहसुन के मतलब वो टच में अगर आ गया होगा, क्योंकि किचन में ही रहता है ना, तो पूजा का मामला है क्यों ना एक फ्रेश मंगवाया जाए। तो इसलिए एक दही और एक छोटा सा हल्दी का पैकेट मैंने मंगवा लिया है। और एज यूजुअल हमेशा ऑर्डर करते रहे, कुछ ना कुछ तो मैं भूल ही जाती हूँ, तो मैं फ्रूट्स मंगवाना भूल गई। तो सौरभ गया था मार्केट और यहाँ पे 5 टाइप का फ्रूट्स लेके आया है। केला है, आम है। आम ना इस पूजा का एक मेन फ्रूट होता है, आम यूज करना होता ही है, तो ये आम भगवान को चढ़ाने के बाद हम लोग इस आम को खाएंगे। एप्पल है, गुआवा है और खीरा है। तो 5 टाइप का फ्रूट तो यहाँ पे हो गया, फ्लावर्स तो है ही, साथ में घर पे आलू, हरी मिर्ची, धनिया ये सब कुछ खत्म हो गया था, तो सौरभ ये भी लेके आ गया है। और मैंने मिठाई भी ऑर्डर कर दिया था कांति स्वीट से। बंगाली मिठाई तो हमारे घर के आसपास शॉप कुछ है नहीं कि वहाँ से मिले, तो कांति स्वीट से ही मैंने यहाँ पे एसोर्टेड घी स्वीट्स ऑर्डर कर दिया था 250 grams, तो ये भी आ गया है। अभी इन सारी चीज़ों को करना है थोड़ा सैनिटाइज, मतलब अच्छे से पानी में वॉश वॉश करके उसके बाद थोड़ा गंगा जल स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि ये थोड़ा और शुद्ध हो जाए। वैसे तो अगर आपका दिल साफ है तो हर चीज़ें ही साफ है, पर ठीक है चलिए, मार्केट का सामान है, वैसे भी थोड़ा सा वॉश करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए, तो क्यों ना थोड़ा सा गंगा जल भी इसमें स्प्रिंकल कर लेती हूँ, भगवान एकदम खुश हो जाएंगे। फिर मैं जाऊँगी आज नहाने। और ये कपड़ा किस ओकेशन में सौरभ मुझे गिफ्ट किया था पता है, हमारे एनिवर्सरी में। तो हमने सोचा था कि सौरभ ने मुझे जो ड्रेस गिफ्ट किया है और मैंने भी सौरभ को एक टी शर्ट गिफ्ट किया है, तो सोचा था कि वही पहन के ही हम लोग आउटिंग पे जाने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सौरभ का ड्रेस और मेरा ड्रेस हमारे एनिवर्सरी के दिन डिलीवर हुआ ही नहीं। अमेजोन से ऑर्डर किया था तो ऑर्डर डिले हो गया था, तो ये नया ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ना सृष्टि के दिन पहन लेते हैं। तो ये है मेरा आउटफिट और मामा का आउटफिट तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, मैंने उसको रेडी भी कर दिया, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है मेरी प्यारी सी गुड़िया। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, इसके साथ मैंने एक हेयर बैंड भी डाल दी है। मामा से हाय, हेलो, दिस इज माय फर्स्ट षष्ठी विद मामा। सौरभ का भी नया कपड़ा है, लेकिन एज यूजुअल सौरभ को अच्छा नहीं लगता ओकेजन के बिना घर पे नया कपड़ा पहन के बैठे रहना, तो उसके लिए उसका बॉक्सर ही नया कपड़ा, तो उसने एक नया बॉक्सर पहन लिया है उसके लिए, बस वही है षष्ठी स्पेशल नया ड्रेस। और ये है मेरी प्यारी सी गुड़िया मम्मा, थैंक्स फॉर कमिंग इन आवर लाइफ। मम्मा के लिए हम लोग षष्ठी सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, मदर्स डे सेलिब्रेट कर पाई मैं। ये फ्रेम बहुत सही लग रहा है। फिर तो पापा मिसिंग है ना, पापा है कैमरे के पीछे। चलो अभी बाकी का पूजा स्टार्ट करते हैं। यस। और यहाँ पे अभी पंडित जी बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। क्या पंडित जी, दक्षिणा कितना दे आपको? दे दो 501 रुपए। 501? 11 रुपए मिलेगा। खुश होकर जो देते हैं ना, वही पंडित जी का दक्षिणा होता है, पता है? तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारा बंदोबस्त सब कुछ कर ही दिया है अच्छे से, मैंने पूजा कर लिया है, फूल वूल चढ़ा के प्रसाद भी चढ़ा दिया है, बस अभी सौरभ और एक बार मंत्र वगैरह सब कुछ पाठ करके पूजा अच्छे से कर लेगा, क्योंकि पोइते के की बोले जाना जन्यू तो उसके पास है, तो ये जिम्मेदारी उसी की है, तो सौरभ अभी कर लेगा अच्छे से मंत्र वगैरह पाठ करके। तो मेरे पास ये बरगद का एक पेड़ है, इसी में ही मैं करने वाली हूँ षष्ठी पूजा। बरगद का पेड़ या तो फिर पीपल का पेड़, ऐसे ही पूजा होता है, लेकिन पीपल का है नहीं। थैंक गॉड कि ये बरगद का पेड़ बर्धमान से चिंकी दीदी भाई ने मुझे भेजा था, जिस वजह से आज मैं इसमें मेरे बेटी का षष्ठी पूजा कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे तो मैं उसको लेके बैठ गई हूँ। यहाँ पे एक्चुअली सच बोलूँ तो प्रॉपर वो सारे रिचुअल्स तो नहीं हो पाएगा, जितना थोड़ा बहुत होता है मैं कर लूँगी। तो पहले ये 5 टाइप का मिठाई और थोड़ा सा पानी षष्ठी माता को अर्पण करना है।
यहाँ पे है वो दही, हल्दी, तेल सब कुछ डाल के धागा, ये व्हाइट कलर का धागा ना, ये हमें बांधना पड़ता है हाथ में, और एक बांधना पड़ेगा सोष्ठी के पैर में भी, यानी बरगद के पैर में भी एक बांधना पड़ता है। वेस्ट बंगाल में मम्मी फ़ोन किए थे, मेरी मम्मी पापा आज गए हैं हमारे नेटिव प्लेस यानी गांव में, और वहां पे जाके वो लोग आज सोष्ठी सेलिब्रेट तो कर ही रहे हैं, इनफैक्ट हमारे नाम पे पूजा भी कर दिए हैं। और मेरे सासू माँ तो अभी है दादा भाई दीदी भाई के घर, तो वो लोग ने भी ऑलरेडी वहाँ पे जितना थोड़ा बहुत हो पाएगा बैंगलोर में पूजा उन लोगों ने किया है। सौरभ के मौसी जी ने, वो तो वेस्ट बंगाल में ही है ना, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से बच्चे के नाम पे, हम सब के नाम पे पूजा कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक धागा जो है ये मैं सोष्ठी माता को टच करवा के बेबी के हाथ में बांधूंगी। इतना सुबह सुबह उठ के सब तैयारी मैंने स्टार्ट की थी, उसके बावजूद भी इतना लेट हो गया है, 12 ऑलरेडी बजने को है। तो पूजा तो हो गया है, देखिए ये जो मेन होता है ना टीका, दही हल्दी का टीका, मैंने भी लगा लिया है, सौरभ को भी लगा दिया है, मामा को भी लगा दिया है, और मामा के हाथ में तो धागा मैंने बांध ही दिया था, और मैंने और सौरभ ने दोनों ने भी हाथ में धागा बांध लिया है। यहाँ पे ना इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है कि प्रॉपर वेस्ट बंगाल के रिचुअल्स फॉलो करके यहाँ पे पूजा करूँ, क्योंकि सारे सामान भी अवेलेबल नहीं होता है, और कहाँ से पंडित जी लाओ, कहाँ से पूजा करवाओ, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, सब कुछ देखना पड़ता है। तो मम्मी और मौसी सास तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल में कर ही दिया है पूजा, तो मम्मी का भी मतलब मेरे सासू माँ का भी इस साल इतने अच्छे से सोष्ठी पूजा करना हुआ नहीं, क्योंकि वो लोग हैं दादा भाई के घर, तो इतना ही अवेलेबिलिटी उनके पास है जितना हमारे पास है। तो फिर भी मम्मी तो मम्मी होती है, आई नो कि मम्मी अच्छे से वहीं पर किया होगा, मैंने भी यहाँ पर जितना हो पाया थोड़ा बहुत रिचुअल्स फॉलो करके बस कर लिया है। सुबह से हूँ फास्टिंग में, एक बूंद पानी तक भी नहीं पी, सौरभ ने चाय पिया था, फिर सौरभ ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, बोला कि नहीं तुम्हारे साथ आज मैं भी थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। तो अभी बस प्रसाद जो है सौरभ को मैंने दे दिया है प्रसाद, अभी मैं थोड़ा सा प्रसाद खा लेती हूँ, वही मीठा ही खाऊंगी, फल अभी खाने का मन नहीं हो रहा है, फल तो है ही बट सुबह से फास्टिंग में होना, एम्प्टी स्टमक अगर फ्रूट्स खा लूँगी तो फिर ना मुझे एसिडिटी हो जाती है, तो अभी एक मिठाई खा के पानी पी के फिर जाऊँगी किचन में, क्योंकि पूजा है ऑब्वियसली वेज खाना बनाना है, तो आज लंच में सब कुछ वेज खाना बनाऊँगी। क्या हुआ इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ आलादी अच्छा आलादी आलादी अच्छे बाबा नतून जामा पोड़े टीप पोड़े हाथे सूतो बेधे हेयर बैंड पोड़े साजुगुजु करे एक आलादी अच्छे निकी आलादी अच्छे निकी एक स्माइली दिए दाओ सबा के स्माइली दे दो थोड़ा स्माइली दे दो अच्छा लग रहा है अच्छा फील हो रहा है हाँ पूजा किया फर्स्ट टाइम सोष्ठी पूजा है ना अभी वो सो जाएगी काफ़ी देर से जागी हुई है ना थोड़ा सा देखिए अभी आँख उसका भर के आया है एकदम अभी थोड़ा सुला देती हूँ उसको फिट करवा के चलो मिठाई तो तुम नहीं खा पाए हम सब लोग मिठाई खाए प्रसाद के हिसाब से तुमने तो मिठाई नहीं खा पाए अभी तुमको दूध पिलाएंगे फिर तुमको सुला देंगे फिर हम लोग खाना बनाएंगे मेरे ससुराल में रिचुअल्स है सोष्ठी के दिन वो लोग राइस का कुछ भी प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं चावल तो खाते ही नहीं है दोपहर को या रात को इनफैक्ट मुरमुरा चिवड़ा और खोई बोलते हैं तो वो सारे चीज़ें भी नहीं खाना होता है लेकिन मेरे मायके का रिचुअल्स थोड़ा सा अलग है मेरे मायके में आज के दिन चावल तो नहीं खाते हैं डेफिनेटली मुरमुरा भी नहीं खाते लेकिन चिवड़ा खाते हैं वो लोग कटहल जो पका हुआ कटहल मतलब अभी तो सीजन है तो कटहल आम और लीची सब कुछ मिला के दही के साथ दही वगैरह चिवड़ा के साथ दही वगैरह सब कुछ डाल के उसका एक मिक्सचर काइंड ऑफ बना के वो लोग खाते हैं जिसको बोलते हैं दोई चिड़े तो वो मेरे मायके में खाते हैं लेकिन मेरे ससुराल में वो रिचुअल है नहीं तो मुझे ऑब्वियस बात है मेरे ससुराल का रिचुअल ही फॉलो करना पड़ेगा तो आज घर पर राइस नहीं बनेगा नॉनवेज तो दूर की बात है प्याज लहसुन तक भी नहीं बनेगा तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में वेज बनेगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया तो पनीर तो मंगवा के रखी थी आलू पनीर की एक सब्जी बनाऊंगी मूंग दाल और दलिया का खिचड़ी बनाऊंगी और साथ में सोच रही हूँ थोड़ा सा बैंगन फ्राई कर लूँ तो ये है आज का मेनू लेकिन इतना सब कुछ और मैं डिटेल्स में नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है 12:30 बज गया है ऑलरेडी
अभी फटाफट से मैं ड्रेस चेंज करूँगी, ड्रेस चेंज करके किचन में कुकिंग वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर दूँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। आज थोड़ा जल्दीबाजी में ही हूँ क्योंकि सौरभ का फिर ऑफिस भी है, जल्दी जल्दी खाना बना के खाने के बाद फिर सौरभ को ऑफिस भी निकलना है। बैंगन को ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। इसका बनाऊंगी बेगुनी। पहले सोचा कि बैंगन फ्राई बना लेती हूँ, फटाफट बन जाएगा, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ा स्पेशल दिन है तो स्पेशल कुछ ही बनाते हैं, तो पतला पतला बैंगन के स्लाइस काट के बेसन के बैटर में डिप करके बेगुनी बनाऊंगी। बेसिकली बैंगन के पकौड़े हैं। बेसन, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और कलौंजी डाल के इसमें भी पानी डालूंगी और इसका एक बैटर बना लूँगी। एनीवेज यहाँ पे खिचड़ी हमारा बन के रेडी है और ये रहा आलू पनीर की सब्ज़ी। ये थोड़ा सेमी ग्रेवी में ही रख रही हूँ क्योंकि अभी तो खिचड़ी के साथ हमें इतना ग्रेवी चाहिए नहीं, अभी तो सूखा सूखा हम लोग खा सकते हैं, लेकिन ये रात के लिए भी मैंने एकदम से बना के थोड़ा रख दिया है एक्स्ट्रा करके, ताकि रात के टाइम पे और कुछ बनाना ना पड़े, सिर्फ पराठा बना लूँगी हो जाएगा। तो अभी इसमें डाल दूँगी धनिया पत्ता और घी भी डाल दिया है। वेज खाना जो होता है ना, उसमें घी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। घी, गरम मसाला सब कुछ डाल के थोड़ा ज़्यादा करके टमाटर डाला है और ये हमारा बनके रेडी हो गया है। खिचड़ी बन गया है, सब्ज़ी भी बन गया है और अभी बेगुनी बना लूँगी और गर्मा गर्म लंच अभी खा लेंगे। फर्स्ट टाइम षष्ठी पूजा करके इतना अच्छा लग रहा है ना, अब जाके ऐसे लग रहा है कि हाँ यार मैं तो सच में माँ बन गई हूँ। मैं मेरे बच्चों के लिए वही सब कुछ कर रही हूँ जो कि मेरी मम्मी मेरे और मेरे बहन के लिए किया करती थी। उस टाइम पे ना इन सारी चीज़ों का अहमियत जो है वो इतना पता नहीं चलता था। हम लोग जस्ट फन वे में चले जाते थे मम्मी के साथ षष्ठी तला, और वहाँ पे जाके मम्मी पूजा करती थी हम लोगों को सारे रिचुअल्स फॉलो करवाती थी। हम लोग करते थे, फोटो वोटो लेते थे, एकदम मौज मस्ती होता था। घर आते थे, मम्मी तो खुद खाती नहीं थी कुछ भी, मतलब ये सारा सब कुछ खाना, तो मम्मी तो वही चिवड़ा, फल, दही यही सब कुछ खाती थी और हमारे लिए पूड़ी बना के देती थी। तो षष्ठी मतलब हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हुआ करता था कि मम्मी कुछ भी खाए, लेकिन हमारे लिए तो घर पे पूड़ी, आलू दम या तो फिर आलू भाजी, साथ में ढेर सारे टाइप के मिठाई, खीर, ये सब कुछ बनने वाला था। सेवई का खीर वगैरह भी मम्मी कभी कभी बनाती थी, लेकिन अभी पता चल रहा है कि नहीं यार, इन सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस क्या होता है एक लेडीज़ के लाइफ में जब वो माँ बन जाती है। बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। तो चलिए, लंच तो अभी हमारा हो गया है, टाइम हो गया है अभी 3:30। सौरभ बस अभी कुछ ही देर में ही लॉगिन करेगा, बोला कि आज ऑफिस नहीं जाएगा, वर्क फ्रॉम होम ही कर लेगा क्योंकि सुबह से आज वो भी फास्टिंग में ही है और ऊपर से थोड़ा इसको मतलब सौरभ को मार्केट वार्केट जाना, घर का भी थोड़ा कामकाज संभालना पड़ा मुझे, उसने कुकिंग में भी हेल्प किया कर दिया, तो बोल रहा है कि थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है, तो बोला कि आज वर्क फ्रॉम होम ही कर लेगा। सो चलिए, गुड फॉर मी, एटलीस्ट हम तीनों मिलके हमारा जो पहला षष्ठी है, आज का स्पेशल दिन हम लोग एक साथ घर पे सेलिब्रेट कर पाएंगे। ऑब्वियस बात है, मम्मी को तो मिस कर ही रही हूँ, वो सारे रिचुअल्स याद आ रहे हैं जो मम्मी हम लोगों को ले जाके षष्ठी तला में फॉलो करवाती थी, लेकिन ठीक है, इतना भी नहीं मिस कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं खुद ही माँ बन गई हूँ ना, तो वो सारे रिचुअल्स मैं कर रही हूँ मेरी बेटी के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना भी मिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ सारी चीज़ें रिकॉल डेफिनेटली हो रहा है। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ। मैं आप लोगों को बोला कि कपड़ा वपड़ा चेंज करके फिर खाना बनाने जाऊँगी, फिर सोचा कि नहीं चलो नया कपड़ा, फ्रेश कपड़ा पहनी है, क्यों ना आज पूजा के स्पेशल खाना वगैरह सब कुछ इसी कपड़े में ही बना लेते, फिर एंड में जाके सब कुछ चेंज करूँगी। तो अभी कपड़ा चेंज करके थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी, फेस वॉश करूँगी, फिर थोड़ी देर रेस्ट लूँगी। मम तो ऑलरेडी सो गई है, सौरभ भी थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है। तो चलिए आज इस ब्लॉग को एंड करते हैं, कल मिलेंगे आप लोगों से फ्रेश और एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।